दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान रोहतास जिला के कोचस प्रखंड के कथराई पंचायत में आया हुआ हूँ। यहाँ मेरी मुलाकात पैक्स अध्यक्ष रामावधेश सिंह से हो रही है। हम रामावधेश सिंह से जानना चाहते हैं कि आखिर आपके पंचायत का क्या नाम है? कथराई। और कौन कौन सा गांव आता है? कथराई, सोहीपुर, सकरौली, एकौनी, क्रमछाता, भराडी, पिटफुरवा, शेख बहुआरा, महावीरगंज, सुहासा और परसथुआ। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है उसना और अरवा में, सारे पैक्स अध्यक्ष इसी बात को कह रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? अरवा उसना के चलते तो हम लोगों को तकलीफ हो रहा है, गिरारे में बहुत परेशानी हो रही है। मतलब दूरी भी बहुत ज्यादा है। दूरी तो बहु कहने लायक ही नहीं है, 150 किलोमीटर दूर और भाड़ा भी बहुत ज्यादा लग रहा है। और सरकार के सूद इतना बढ़ रहा है कि हम लोग डिफाल्टर भी हो सकते हैं। यानी कि सूद माफ किया जाए और बेसूद रहित हम लोगों को खरीदारी करने का अनुमति मिले। इसलिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर इस तरीके की प्रक्रिया रही और इस तरीके का प्रॉब्लम अगर हुआ तो पैक्स डिफॉल्टर भी हो सकता है। पैक्स एकदम डिफॉल्टर हो ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे तो दिक्कत उसना और अरवा का लेकर है। मिल उसना का तो है ही नहीं। अगर जब तक सरकार मिल लगाने के लिए सब्सिडी सब पक्ष को नहीं देती है तब तक चावल कहाँ से समय से गिर पाएगा। और पहले कभी उसना कहती है कभी अरवा करती है। ये तो सरकार का प्रावधान हो गया है, अरवा उसना जो भी प्रतिनिधि को किसी तरह परेशान करना है और बोझ देकर ही कर देना है कि किसी प्रकार का ये लोग आगे न बढ़े। इसलिए कि सारे पैक्स अध्यक्ष एक ही बात बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं सारे पैक्स अध्यक्ष को एक ही तकलीफ है तो क्या बोलेंगे, यही ना बात बोलेंगे, दूसरा तो और कोई बोल नहीं सकते हैं। और किसान का जो धान वगैरह आप लोग लेते हैं तो उसको पैसा वगैरह? पैसा तो हम लोग अपने सीसी से दे ही देते हैं, तो सीसी का तो सूत वाहन करना पड़ता है। तो सरकार से कुछ मांग करेंगे? सरकार से यही ना मांग करेंगे कि हम लोगों को सूद माफ किया जाए। डीएम साहब और डीसीओ साहब के बारे में क्या कहेंगे? डीएम साहब और डीसीओ साहब का ही देन सोच अच्छा था कि हम लोग पूरे पैक्स अध्यक्षों को उबार दिए, यानी कि उन लोगों ने परेशानी को दूर कर दिए, वरना और परेशानी होती, नहीं तो और परेशानी इससे भी ज्यादा होती। बहुत बहुत शुक्रिया रामावधेश सिंह, आप बाबा दर्शन न्यूज को समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।